तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आईजी कैसे बने। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। आपको आपकी पढ़ाई से लेकर आईजी बनने तक का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। तो आइए दोस्तों, एक एक करके पूरी जानते हैं कि हम आईजी कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए, हम आपको आईजी बनने तक का पूरा प्रोसेस बताएंगे। आपको आपकी पढ़ाई से लेकर आपको कौन सा कोर्स करना है, कौन सी किताबें पढ़नी है या कौन से टेस्ट देने हैं, हम आपको सभी प्रोसेस बताएंगे। आप हमारी वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, कृपया करके स्किप ना करें। अगर आप स्किप करके वीडियो को देखते हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप बहुत से पॉइंट को मिस कर देंगे। तो दोस्तों, हमारी यही उम्मीद है आपसे कि आप हमारी वीडियो को एंड तक देखते रहेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं आगे के पॉइंट की तरफ। तो आइए, चलिए दोस्तों, अगर आप पुलिस विभाग से जुड़कर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो पुलिस विभाग के क्षेत्र में अनेक पद हैं जिनमें आईजी ऑफिसर जैसे सरकारी पद पर नौकरी करना एक सुनहरा और सामान्य की बात है। ऐसे यदि आप डीजीपी के पद पर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप आईजी ऑफिसर एक बढ़िया करियर ऑप्शन है। तो ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि आईजी क्या है, आईजी कैसे बने, आईजी ऑफिसर बनने की तैयारी कैसे करें, आईजी ऑफिसर बनने के लिए क्या करें। और तो इस पोस्ट में जानेंगे कि आईजी ऑफिसर कैसे बने और साथ में यह भी जानेंगे कि आईजी ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आईजी ऑफिसर बनने के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, आईजी ऑफिसर बनने के लिए शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आईजी ऑफिसर की तैयारी के लिए सिलेबस क्या है, आईजी ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है, आईजी ऑफिसर की तैयारी के लिए सिलेबस क्या है, आईजी ऑफिसर बनने की योग्यता क्या है, आईजी ऑफिसर की चयन प्रक्रिया क्या है, आईजी ऑफिसर का काम क्या होता है। तो चलिए, अब जानते हैं कि आईजी ऑफिसर कैसे बने और आईजी ऑफिसर की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो से जुड़े रहिए, हम आपको इन्हीं सब चीज़ों के सवाल इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो आपने जो जो टॉपिक इस में देखे हैं, हम आपको यही सब इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो से जुड़े रहिए, वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए, वीडियो को सिर्फ कर करके ना देखें, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। तो दोस्तों, चलते हैं अब टॉपिक की ओर, आइए देखते हैं अगला टॉपिक कि आईजी कैसे बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं, आईजी ऑफिसर पुलिस विभाग का एसपी से बड़ा पद होता है, जो कि किसी भी राज्य के पुलिस विभाग में आईजी ऑफिसर तीसरा सबसे ऊंचा पद होता है। और ऐसे में आईजी ऑफिसर के पद का चुनाव भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस की परीक्षा द्वारा किया जाता है। आईजी ऑफिसर को हिंदी में पुलिस महानिरीक्षक कहते हैं। हर राज्य के मंडल में स्तर पर आईजी ऑफिसर का पद होता है। आईजी ऑफिसर का पद सिर्फ आईपीएस की परीक्षा द्वारा भर्ती किया जाता है। मंडल स्तर पर पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी भी आईजी ऑफिसर के ऊपर होती है, जो कि जिले के एसपी से बड़े पद होते हैं, जो कि कई जिलों को एक मंडल होता है। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं आगे की टॉपिक में कि वह क्या क्या होते हैं, हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारी वीडियो से। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं आईजी की फुल फॉर्म। हिंदी में इसको पुलिस महानिरीक्षक कहते हैं और इंग्लिश में इन्हें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के नाम से जाना जाता है। आईजी ऑफिसर कैसे बने, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप आईजी ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, आईजी ऑफिसर के पद पर अपना करियर कैसे बना सकते हैं। तो इस पद पर नियुक्ति के लिए डायरेक्ट भर्ती नहीं होती, यानी आईजी ऑफिसर के पद के लिए सीधे रूप से आवेदन नहीं कर सकते, बल्कि इसमें लिए सबसे पहले आईपीएस की परीक्षा पास करके आईपीएस बनना होता है और उसके बाद आईपीएस का प्रमोशन होने पर आपको
आईजी ऑफिसर का पद दिया जाता है। इसके लिए यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विस एग्जाम में आपको सम्मानित होना होगा व उसके सफलता पाने के बाद आप इस पद पर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं आगे की जानकारी, तो देखते रहिए हमारी वीडियो को और हम आपको आगे के टॉपिक में बताते हैं कि आईजी बनने के लिए क्या क्या करना होगा। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं, ऐसे अगर आप आईजी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो स्नातक यानी ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद आपको आईपीएस एग्ज़ाम की परीक्षा देनी होती है। फिर जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफलता को प्राप्त करते हैं वही आगे चलकर प्रमोशन के द्वारा आईजी ऑफिसर बनते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी आईपीएस की परीक्षा बहुत ही कठिन होती है और इस परीक्षा में सफल होने के लिए आपको निरंतर और कठिन मेहनत करना होता है, तभी डीजीपी बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं आगे के प्रोसेस में कि आपको क्या क्या करना होगा, आईजी बनने के लिए कितनी मेहनत करनी होगी, कौन सी परीक्षा लेनी होगी। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे के टॉपिक की तरफ। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं आईजी ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हैं कि आईजी ऑफिसर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पद होता है, जिस अधिकारी के ऊपर पूरे मंडल स्तर के कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। जिस पद के लिए डायरेक्ट भर्ती नहीं होती, इस पद के लिए सबसे पहले आईपीएस की परीक्षा के पास होना पड़ता है, फिर आईपीएस रैंक के ऑफिसर बनकर पुलिस विभाग में नियुक्ति होती है, फिर प्रमोशन के द्वारा सबसे बड़े पद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पर प्रमोशन पा सकते हैं, जिसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए, आईजी ऑफिसर बनने के लिए किन किन योग्यताओं को होना ज़रूरी है उसके बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं आगे के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आइए दोस्तों, हम आपको लेकर चलते हैं आगे की पॉइंट की तरफ और हम आपको बताते हैं वह योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आइए चलिए दोस्तों, आईजी ऑफिसर बनने के लिए शैक्षणिक योग्यताएं। आईजी ऑफिसर यानी पुलिस महानिरीक्षक बनने के लिए आईपीएस की परीक्षा को देना होता है। जो उम्मीदवार पद के आवेदन के लिए अप्लाई करते हैं तो आईजी ऑफिसर बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार होती है। तो आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि वह योग्यता क्या क्या होती है, हमें कौन सी शिक्षा देनी होती है आईजी ऑफिसर बनने के लिए, कौन कौन सी परीक्षाओं से गुजरना होता है या कौन कौन से कोर्स करने होते हैं, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आईजी ऑफिसर बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होनी अनिवार्य है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं नेक्स्ट टॉपिक में वह क्या है। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं आईजी ऑफिसर बनने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं यानी इंटर की परीक्षा विज्ञान, वाणिज्य या कला वर्ग जैसे भी किसी सब्जेक्ट से अच्छे अंक के साथ पास करनी होती है। इसके बाद आईजी ऑफिसर बनने के लिए आपको कम से कम किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपको किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करना अनिवार्य होता है। फिर आईजी ऑफिसर बनने के लिए आपको यूपीएससी की आईपीएस परीक्षा को अच्छे अंक से 7 पास करना होता है, क्योंकि सिर्फ आईपीएस ऑफिसर ही आईजी ऑफिसर बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं आगे की पॉइंट की तरफ। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं आईजी ऑफिसर बनने के लिए आयु सीमा कितनी होती है। आईजी ऑफिसर बनने के लिए जो उम्मीदवार की आयु 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों जैसे ओबीसी, एससी, एसटी श्रेणी के उम्मीदवारों को कुछ साल की छूट भी दी जाती है। जो कि आईजी ऑफिसर बनने के लिए ये सारी आयु सीमा की आहत इस प्रकार है। आईजी ऑफिसर बनने के लिए सामान्य वर्ग के लिए अभ्यर्थियों की सीमा न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष की आयु निर्धारित किया गया है। ओबीसी कैटेगरी के लिए आयु सीमा 3 वर्ष की छूट दी गई है, जबकि एससी एसटी के वर्गों के लिए आयु सीमा के रूप में 5 साल की छूट दी जाती है।
आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं आईजी ऑफिसर की कितनी सैलरी होती है। जैसे कि आप सभी जान गए होंगे कि आईजी ऑफिसर का पद मंडल स्तर के कानून व्यवस्था में सबसे बड़ा पद होता है। ऐसे में आईजी ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है? तो जैसे आप आईजी ऑफिसर पुलिस विभाग का तीसरा सबसे बड़ा पद होता है, इसलिए आईजी ऑफिसर को पुलिस विभाग में बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है। आईजी ऑफिसर को हर महीने 80,000 से लेकर 1,10,000 तक की सैलरी मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और हमारी वीडियो को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।